कहाँ हटी आई सर जी, बुलाई जरा उनको, ये कहाँ से आ गई? टीआई साहब, एक और तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, आपको इतनी, हम ये क्या कहें, इतनी अकल नहीं है कि वारंट वापस करने के पहले देख तो लेते कि वारंट के क्या रिक्वायरमेंट होती है। वारंट को पढ़ा है कभी? उसमें हमेशा सीआरपीसी में लिखा है अनलेस एंटिल रिकॉल्ड आर कैंसल्ड डेट विल प्रिवेल। आपने वापस कर दिया, अब आप कल कैसे पकड़ोगे उसको? मान लीजिए कल मिल जाता तो कैसे पकड़ोगे? ये तो आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर दिया, ये करती रहती है हाईकोर्ट जो ऑर्डर उसके समझ में आए, लेकिन पकड़ना तो हम ही को है। तो अब तो उनको ना पकड़ के हम तुम्ही को पकड़ते हैं, तुम्हारे खिलाफ लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी दया भी आती है कि आपकी इतनी उम्र नहीं है कि अभी रिटायर जल्दी होने वाले हो, अभी दसियों साल की नौकरी है, अगर लिख देंगे तो लिख तो दिया ही है तुम्हारे खिलाफ कि यू हैव स्कैंट नॉलेज ऑफ लॉ, कि तुम्हें कानून का ज्ञान व्यान है नहीं, बस इतना भर लिखना बकाया रह गया। वो कल लिखेंगे कि यू आर नॉट फिट टू कंटिन्यू एज इंस्पेक्टर इन चार्ज, ये बकाया लिखने को ये कल लिखूंगा, ताकि जब तुम कल आ जाओगे तो यही लिख दूंगा कि यू आर नॉट फिट टू कंटिन्यू एज इंस्पेक्टर इन चार्ज। तो बस अपना सब इंस्पेक्टर बने रहना या लाइन में बने रहना, इंचार्ज ही तुम्हें कभी मिलेगी नहीं। तुमको ये मालूम नहीं है कि सीजीएम ने आपको नोटिस भेजा, वारंट भेजा, सीजीएम के माध्यम से भेजने सीधे हाई कोर्ट आपने रेफर कर दिया, उसको वापस कर दिया, सब इंस्पेक्टर फॉरवर्ड कर देगा, लिखा तो मोहर तो उसमें प्रभारी निरीक्षक की लगी है। बताओ आपने फॉरवर्ड तो किया है उसको, नहीं किया मुझे मालूम नहीं, देख लो। फॉरवर्ड तो तुम्हें किया है, ऐसे कैसे आप फॉरवर्ड करते हो? देखो आ गई ना बात, हमने क्या कहा था ये 500 रुपये का खेल है, उसने पुलिस को पकड़ा दिए पैसे, ये सावरे लिख दो कि हम घर पे नहीं, और जबकि खुद ही बता रहे कि उसकी तबीयत खराब है, तो मेहरबानी तुम्हें कर दो, ये जाओ बेटा चले जाओ। उपस्थित कैसे मिलेगा जब तुम्हारी पुलिस से उल्टा सीधा काम करेगी, कैसे मिलेगा उपस्थित? ये बताओ कि हमने ऑर्डर किया और सिग्नेचर नहीं हो पाए और यहाँ पर तुम आ गए, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली मुझे पता नहीं। जब तुम उनसे कह देते कि मैं कुछ नहीं जानता आप चलिए, वोट तो वही आ जाता, ऑर्डर तो रहेगा ही, जब एक बार ऑर्डर हो गया तो एसपी कल आएंगे, उनके साथ भी आएंगे, बस इतना हम आपको ओरली कह दे रहे कि कल साथ में मुलजिम को भी अरेस्ट करके ले आओ, तब देखेंगे, अदरवाइज ऑर्डर विल बी पास्ड अगेंस्ट यू। ये कोई निवेदन नहीं है इसमें, कुछ नहीं, 2 सप्ताह का आपको मौका दिया गया था, आप 2 सप्ताह तक मस्ती करते रहे, आपने वांट को एग्जीक्यूट नहीं किया। चुनाव पड़े चाहे चुनाव, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव आ जाए मुझसे कोई मतलब नहीं। देखो कोर्ट का काम कोर्ट से चलता रहता है, ये हम सब जान रहे, जितने आप ये गेम खेल रहे हो ना, ये हम सब छोड़ चुके खेलते खेलते, हमें सब पता है कि चुनाव चल रहा था इसलिए नहीं जा पाए, हर जी एंट्री करते रहे बैठ हुए कि नहीं मिला, उससे कह दिया है कि वो भेज दो, ये सब हमारे पुराने हथकंडे हैं जो तुम आज कर रहे हो। 37 साल की लीगल प्रैक्टिस हो गई है और 2-4-10 साल आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे बड़े उम्र में हो गए, कितनी एज है आपकी? 42 है। तो जब 42 है तो जब आप 5 वर्ष के थे तब से हम लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वे आर दैट वे। तो हमको बहुत मत बताओ कि पुलिस ऐसा वो सब चुनाव था, ये तो हम सब जानते ही, ये चुनाव था, गए नहीं मौके पे, इसीलिए आपने सब कर दिया, कोई बात नहीं। अब बस कल मुझको मुलजिम चाहिए, कल मुलजिम चाहिए, एसपी एंड यू विल प्रेजेंट द, अगर मुलजिम मिल जाएगा तो आपके खिलाफ नहीं लिखेंगे, अदरवाइज आई विल राइट यू आर नॉट फिट टू कंटिन्यू एज इन चार्ज, यू शुड बी इमीडिएटली ट्रांसफर फ्रॉम दिस कोर्ट एंड यू विल नॉट बी गिवन चार्ज विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। इतना ऑर्डर कर दूंगा, तो अभी 18 साल की नौकरी बची है, 18 साल में इंस्पेक्टर का चार्ज मिले। ये सब हरकतें हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको तामील नहीं करना है तो नहीं करना है, भले ही पुलिस को भले ही कोर्ट कुछ कहती रहे। भाई आपने इतना हल्के में क्यों लिया हाईकोर्ट के वार्ड को, कि 2 सप्ताह का आपको टाइम दिया था, वन एंड अदर रीजन से टालते रहे और फर्जी रिपोर्ट लगाते रहे, फर्जी जीडीटी करते रहे कि ये गया वो गया, कहीं गया कोई कहीं नहीं। अभी इन तारीखों की लोकेशन निकलवाई जाएगी तो आपका वो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर वहां गया ही नहीं होगा,
हमको फिर अगर हम पकड़ने पे आते हैं तो हमको पकड़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसलिए कोशिश करो कि पकड़ में ना आओ, नहीं तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर देंगे डीजीपी को कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी सेटअप की जाए कि इन्होंने कोर्ट में झूठी रिपोर्ट पेश की, तो बेकार का और उलझते चले जाओगे और उलझोगे, समस्या बन जाएगी। इसलिए कोर्ट के आदेश को कंप्लाई करके आइए, कोर्ट के आदेश को कंप्लाई करके आइए, वारंट वारंट वापस नहीं करूंगा। यही तो इनका खेल है कि इन्होंने वारंट अनसर्व वापस कर दिया और कोर्ट को बेवकूफ बनाने लगे कि साहब वारंट दे दो, हमसे कोई मतलब नहीं, जो आपने किया है वो आप जानिए या हमको दिखाइए कि वारंट आप कैसे अनसर्व कर सकते थे। अब आपको कैसे पकड़ना है कैसे नहीं पकड़ना है आप जानिए, बाकी हम इनको सब तरीके बता सकते हैं लेकिन पुलिस का कोई भरोसा नहीं। ये जाके सुनिए, पुलिस का कोई भरोसा नहीं, कहो जीडी में जाके लिख दें कि जज साहब ने ये पकड़ने का ये तरीका बताया है इसलिए इसको पकड़ लेते हैं। ये सब हमको बहुत अच्छी तरीके से हम जान रहे हैं। एक रिवीजन एक जिला साहब के सामने पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम आज 15वां दिन है और इसको रिवीजन पे कैसे ले आई, आज हम ऑर्डर मतलब फर्स्ट रिमांड का जो रिवीजन होता है वो विद इन 15 डेज तक ही फर्स्ट रिमांड मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये 15 निकल गया तुमको फर्स्ट रिमांड मिलेगा नहीं, आज 15वां दिन है, अगर हम आपको देंगे भी टाइम तो कब आप उसको जेल से बाहर निकालोगे, कब क्या करोगे, और करना था तो ऐसा कर लेते। सो गया और जी डी में उसने लिख दिया कि जिला ने आज इसने रिवीजन लेने से इनकार कर दिया और ये सलाह दी, लिख दिया उसने, पुलिस का कोई भरोसा नहीं। तो अब इनको अपना दिमाग लगाने दो, दीजिए भेज दीजिए, ने ऑर्डर कर दिया है आप भेज दीजिए, एसपी विल कम हियर, क्या कुछ नहीं, एसपी यही तो जाने वही दिन पर डंडा चलाएगा, आप तो चला भी नहीं सके, फिलहाल एसपी से कहेंगे इनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर करो, ये कोर्ट के आदमी से समझते ही नहीं। हाँ अगर ले आओगे मुलजिम को तो कल फिर कुछ बनाएंगे कि इन्होंने कम से कम ऑर्डर की कंप्लायंस करें, भाई ऑर्डर की कंप्लायंस को आप क्यों हाई कोर्ट का डंडा चलाने पे करते हो, अरे हाई कोर्ट का ऑर्डर है आप कह रही है भैया पहले ही कर देते, मुझसे तो मतलब नहीं है, आप कर दे, कोर्ट का ऑर्डर शुड बी कंप्लाइड, बस मैं इतना जानता हूँ, यदि कोर्ट ने ऑर्डर किया तो दैट शुड बी कंप्लाइड, हमसे मतलब नहीं है, हमारे आदेश का तामील मत करो, हाई कोर्ट के आदेश को तामील करो, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है आप मानिए, और या तो तुम्हें ये सोचते रहे कि कुछ नहीं ऐसे हाई कोर्ट रोज ऑर्डर करती, अब ऑर्डर हुआ है आप करिए जो करना हो। अभी देखिए इनको रात में नींद नहीं आएगी, रात में इनको मुलजिम मिल जाएगा, जो ये 2 सप्ताह में काम नहीं कर पाए ये 2 घंटे में कर लेंगे, अभी जाने के पहले ये टेलीफोन कहेंगे अपने दरोगा से कि देखो कोर्ट सख्त है इसमें मेरे पहुंचने के पहले, क्योंकि ये तो पहुंचेंगे रात, मेरे पहुंचने के पहले इसको पकड़ लाओ, अभी देखो पकड़ लो, और हम आपको दोबारा ऑर्डर नहीं करेंगे, बाकी आपको कैसे लेना है कैसे ही लेना ये आप जाने, कोई दे दे तो हमसे मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो वारंट में दस का बनाता नहीं। चलिए ठीक है कल बताइए, कल आइए एसपी को लेकर कल आइए।